Hello everyone, सबको स्वागत है मेरा YouTube चैनल Learn ITI में। आज हम बात करने वाले चैप्टर 2 के पार्ट 2 मतलब क्या होता है, जो इसके पहले हमने जो एक चैप्टर चालू किया था मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो चैप्टर का कुछ भाग रह गया था इसलिए हम पार्ट 2 जा रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहले की टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट मतलब माप लेने की कितने पद्धति होती है और हर एक पद्धति में कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, मैंने लिखा कि लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मतलब लीनियर मेजरमेंट मतलब कौन सी चीज की ऐसी सीधी माप जो होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मेजरमेंट। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। जो लीनियर मेजरमेंट है ये समझ लेना है कि चार जो विषय हो क्या होता है। लीनियर मेजरमेंट मतलब जो चीज जैसे किसी भी चीज की हम अगर लंबाई सीधे में गिन रहे तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मेजरमेंट। और उसकी लंबाई गिनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अगर कम रहा तो स्टील रूल, अगर उससे थोड़ा बड़ा रहा तो वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, अगर उससे ज्यादा बड़ा रहा तो मेजरिंग टेप का भी यूज किया जाता है। अगर ज्यादा लंबाई, अगर किलोमीटर वगैरह जैसे रोड गिनना है तो मेजरिंग टेप का उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर का क्या है, एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट मतलब क्या हो गया कि दो रेखा अगर ऐसे एंगल में टच होते हैं तो उसके बीच में जो एंगल तैयार होता है, जो कोण तैयार होता है, उसी को अगर उसी माप को अगर हमें गिनना है तो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मेजरमेंट। तो इस चीज को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, कौन सी चीज का उपयोग करते हैं, प्रोट्रैक्टर हेड या फिर कॉम्बिनेशन सेट या फिर वर्नियर ब्यूवल प्रोट्रैक्टर, ये सब का उपयोग करते हैं। मतलब अभी हमें समझना क्या है, सिर्फ मेजरमेंट कितने प्रकार है और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने इसके एग्जाम्पल जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ ये हमारे आगे चल के हमें पूरा पता चल जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, तो वो वर्नियर कैलिपर क्या होता है वो आगे जाके पता चलेगा। या फिर एंगुलर मेजरमेंट में मैंने अभी बताया कि प्रोट्रैक्टर हेड, वर्नियर ब्यूवल प्रोट्रैक्टर, उसके बाद कॉम्बिनेशन सेट, ये सब आगे जाके हमें पता चलेगा कि वो क्या चीज होता है। उसके बाद रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की अगर रेडियस गिनना है, जैसे गोल मतलब क्या होगा डायमीटर और आधा गोल मतलब क्या होगा ये रेडियस। तो किसी भी चीज की अगर रेडियस दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, ये आधा गोल मतलब क्या हो गया रेडियस। किसी भी जॉब के ऊपर अगर ऐसे रेडियस की माप हमें चेक करना चाहता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियल मेजरमेंट। और इसी को चेक करने के लिए हमें रेडियस गेज को उपयोग करना पड़ता है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस चीज के बारे में हमें आगे जाके पढ़ाना है या फिर अभी बता दूंगा तो पूरा पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। लेकिन ध्यान में रखना की रेडियल मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि जो जॉब के ऊपर जो रेडियस होता है आधा गोलाकार, जिसे हम रेडियस बोलते हैं टेक्निकल में। रेडियस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो इसी चीज को अगर चेक करना है तो किसका उपयोग किया जाता है, रेडियस गेज का। और चौथा नंबर का दिया प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट मतलब क्या होता है, जैसे एक आधी जॉब है, स्क्वायर जॉब है, तो इसके नीचे का भाग पूरा प्लेन है, इसी को अगर हमें चेक करना है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लैटनेस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, अगर किसी भी जॉब का हमें ये प्लेन सरफेस चेक करना है तो उसे क्या बोलते हैं टेक्निकल में, फ्लैटनेस। और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रेट एज का उपयोग किया जाता है, फिर ट्राइस्क्वायर का भी उपयोग किया जाता है। ये हो गया, ये थे अपने चार के टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरमेंट है वो कितने प्रकार के, चार। उसमें जो हर एक मेजरमेंट के लिए कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है इसी के बारे में भी मैंने बताया। तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा था, लीनियर माप लेने के लिए वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, ये ऐसे जितने भी मेजरिंग टेप, ये सब लीनियर मेजरमेंट में आते हैं, जो सीधे माप लिया जाता है। मतलब जो चीज का अगर हमें सीधे में माप लेना है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मेजरमेंट। सेकंड नंबर एंगुलर, मतलब किसी भी जॉब में अगर ऐसे एंगल मतलब कोण है तो उससे वो जो माप होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर मेजरमेंट। और इसको चेक करने के लिए वर्नियर ब्यूवल प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर हेड, कॉम्बिनेशन सेट, ये सब चीज या फिर साइन बार का भी उपयोग किया जाता है, ये सब किस में आता है, एंगुलर मेजरमेंट में। तीसरा नंबर है रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट मतलब किसी भी जॉब के आधा गोलाकार, जिसे टेक्निकल में रेडियस बोला जाता है, उसे रेडियल
बोलते हैं आरओसी, जिसको चेक करने के लिए मतलब रेडियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, रेडियस गेज। इसी जॉब के एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का उपयोग किया जा रहा है। चौथा नंबर है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट मतलब एक एग्जांपल मैंने आपके निकाल के बताया कि स्क्वायर जॉब रहा है तो उसके जो नीचे का सरफेस रहता है पूरा प्लेन रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं टेक्निकल में फ्लैटनेस। और फ्लैटनेस को जो चेक करने के लिए किसको उपयोग किया जाता है, स्ट्रेट एज और ट्राय स्क्वायर। अभी हम थोड़े और सामने चल के हम बात करने वाले स्टील रूल, मतलब क्या होता है स्टील रूल, अभी जिसके बारे में मैंने बताया था कि स्केल और स्टील रूल में फर्क है। स्टील रूल किस चीज से बनता है, उसमें उसका जो ये रहता है लिस्ट काउंट वो कितना होता है, फिर उसका मटेरियल, ये हर एक चीज मतलब आप लोगों को कौन कौन से साइज में मिलते हैं ये चीज के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कैलिपर, कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, उसका मटेरियल या फिर उसकी लिस्ट काउंट, ये सब चीज के हम बारे में बात पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है स्टील रूल, स्टील रूल जो है ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मैंने इसके पहले के इसमें भी बताया कि स्टील रूल क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसपे डायरेक्टली माप शो होता है। और वो किस चीज से बना होता है, कौन से मटेरियल से, स्टेनलेस स्टील से, स्टेनलेस स्टील उसकी मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील से स्टील रूल बना होता है। और इसकी जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, जो कौन से भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे हम मेजरिंग कर रहे हैं, तो उस चीज से सबसे कम जो माप ली जाती है उसे क्या होते हैं, लिस्ट काउंट। इस बारे में रिपीट बताता हूँ कि लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं फिर जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के से जो सबसे कम माप ली जा सकती है उसे क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। तो स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी है, मेट्रिक सिस्टम में 0.5 mm मतलब आधा mm, 1/2 mm वही बोल सकते हैं, मतलब ये भी आधा ही है ये, ओके। मेट्रिक सिस्टम में इसकी लिस्ट काउंट कितनी है, 0.5, ये पेपर में पूछा जाता है स्टील रूल की लिस्ट काउंट क्या होती है। तो मेट्रिक सिस्टम में अगर पूछा गया तो मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है सिर्फ इतना पूछा है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है तो हमें क्या लिखना है, 0.5 mm। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश सिस्टम में स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी है ब्रिटिश सिस्टम में, तो उस समय हमें हमारा आंसर आएगा 1/64 inch, ये स्टील रूल का ब्रिटिश सिस्टम में स्टील लिस्ट काउंट है 1/64 inch। और इसे कैसे पढ़ा जाता है या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया कि इसको कैसे पढ़ा जाता है कि 1/64 मतलब क्या होता है। और स्टील रूल अभी जैसे मैंने बताया कि इसकी मटेरियल कौन सा, स्टेनलेस स्टील उसकी लिस्ट काउंट है, मेट्रिक सिस्टम 0.5 mm और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 inch। अभी स्टील रूल कौन कौन से साइज में हमें प्राप्त होते हैं मतलब मिलते हैं, तो सबसे पहला साइज रहता है उसकी 6 इंच, ये इंच का सिंपाला है, मैंने पहले भी बताया कि ये इंच का सिंपाल। उसके बाद मिलता है 12 इंच, और उसके बाद मिलता है 6 इंच मतलब 150 mm, 12 इंच मतलब 300 mm, और तीसरा और 24 इंच का भी हमें मिलता है मतलब 600 mm। इसे हमें अगर mm में कन्वर्ट करना है तो 150 mm, 12 इंच मतलब 300 mm, 24 इंच मतलब 600 mm, इसकी जो स्टैंडर्ड साइज है ये इसी प्रकार में हमें प्राप्त होते हैं। स्टील रूल के बारे में पूरी डिटेल, मटेरियल, लिस्ट काउंट, दोनों सिस्टम है मैट्रिक ब्रिटिश, उसका दो कौन कौन से साइज में हमें मिलते हैं, ये पूरी उसकी स्टील रूल के बारे में पूरी जानकारी होगी। और इसके बाद क्या बचा है, कैलिपर, इसी के बारे में थोड़ा जानकारी, और इसका अलग से वीडियो बना के इसकी पूरी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ थोड़ी जानकारी देते हैं कि कैलिपर कौन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है इनसाइड, मैंने जो अभी इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बताया था इनसाइड कैलिपर, सेकंड नंबर आउटसाइड कैलिपर, और तीसरा आता है जेनी कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं इसे,
उसका एक पैर मुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसे लगना कैलिपर भी बोलते हैं। उसके दो तीन नाम है। तो सबसे पहला जो इंसर्ट कैलिपर है, इंसर्ट कैलिपर ये जो है मतलब ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनसाइड मतलब जैसे ये मीनिंग का होता क्या होता है इसका, इनसाइड मतलब अंदर का माप, आउटसाइड मतलब बाहर का माप। और जो जेनी कैलिपर है वो उससे सिर्फ मार्किंग करते समय उसका उपयोग किया जाता है। इनसाइड और आउटसाइड मतलब कौन सी जॉब का अंदर का माप और कौन सी जॉब का बाहर का माप भी चेक किया जाता है इससे। इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट मेजर हमें शोर नहीं होता है। इसके ऊपर सबसे पहले ये कैलिपर से हम माप लेते हैं, उसके बाद उसी माप को हम स्टील रूल या फिर वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर के ऊपर चेक करते हैं। ये दोनों आउटसाइड और इनसाइड या फिर जेनी कैलिपर से हम क्या करते हैं जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करते समय हमें जो माप चाहिए तो माप स्टील रूल के ऊपर से लेते हैं या फिर वर्नियर कैलिपर के ऊपर से लिया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम और बहुत सी मतलब स्टील रूल वर्नियर कैलिपर हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।